मैरिज किसी की नहीं हो पा रही है तो उसको कौन सी एज से अरेंज मैरिज का ऑप्शन चालू कर देना चाहिए उसमें? हाँ, अभी के जनरेशन के ये लिए मैं बोलूँ तो उनको अरेंज मैरिज के लिए तभी जाना चाहिए, पहले तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, एक दो साल अपना वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, दे शी और ही भी मे बी कॉन्फिडेंट कि नाउ अभी वी नीड अ लाइफ पार्टनर, हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं सब होता है, बट एक नीड आ जाती है कि वी नीड अ कंपेनियन 24/7, जब भी वो दिल से होगा तभी यू कैन स्टार्ट, और स्टार्ट करो, और स्टार्ट करने के बाद क्या, अरेंज मैरिज इट्स अरेंज लव मैरिज, तो पहले जमाने जैसा नहीं है कि आज देखा चार मीटिंग के बाद एंगेजमेंट हुई, एक महीने के बाद शादी हो गई, ऐसा पॉसिबल ये जमाने में कि लड़के लड़की करेंगे नहीं, तो खुद को पता होना चाहिए मैं ये शादी के लिए कितना टाइम लेने वाली हूँ, ढूंढने की प्रोसीजर के लिए, तो खुद को पता होता है, तो मैक्सिमम उनको एक साल के अंदर सब ढूंढना, एंगेजमेंट करना, ये एक साल का मैक्सिमम पीरियड रखना चाहिए टारगेट, नहीं तो कोई कोई होता है दो चार साल देखते रहो, 100 देखी 200 देखी, इट इज़ नॉट, वो होता ही नहीं है, ऐसे शादी होगी भी नहीं, तो एक टारगेट होता है कि आप, और अभी के जनरेशन टाइम लेते हैं, टाइम लो, अरेंज लो, आपको अंदर से क्लिक होगा तब जाके शादी के लिए हाँ बोलो, बट तब ऐसे करो आप, तो ये टाइम पे आपको स्टार्ट करना चाहिए। अभी के टाइम में सब लोग देखा देखी में शादी कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड सर्कल में सबकी हो गई है तो मुझे भी करनी है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? नहीं, एक्चुअली ये एक तरीके से देखा जाओ तो सही भी है कि उनको अक्ल आए कि नहीं अभी सबकी मेरी एज ग्रुप की लड़की लड़कियों की शादी हो गई है, मैं अब तक क्यों कवारी हूँ, अगर उनकी हुई तो मुझे भी बस करनी है, तो मुझे भी बस करनी वाला एंगल आया ना, तो वो कोई भी ढूंढ के कहीं पे भी कर लेते हैं। आपको मौका दिया भगवान ने अरेंज मैरिज का, अरेंज लव इज द बेस्ट मैरिज, पहले के जमाने का अरेंज मैरिज इज अ ठीक नहीं थे, मेरे हिसाब से ठीक नहीं थे, एक देखा दूसरा देखा और तीन चार दिन में शादी, वो गलत शादी नहीं थी बट वो जमाना ही ऐसा था। अभी लव मैरिज कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डिवोर्स हो रहे हैं, सब हो रहा है, बट अरेंज लव हो रहा है तो उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि डिवोर्स या ब्रेकअप होगा, क्योंकि आपके पास ढूंढने का पूरा समय है, आपके माँ बाप ने जो आपको ब्रॉटअप किया है, लाइफ स्टाइल दी है, तभी आप लड़के को पसंद करोगे कि मुझे मेरे से अच्छा मिला या मेरे डैड जैसा इक्वल मुझे लाइफ स्टाइल मिल रहा है, डैड ने मॉम ने जो पैम्परिंग दी है, लाइफ स्टाइल दी है, वो अगर आपको सिमिलर या मोर देन मिलेगी तो आप हैप्पी रहोगे, तो दिस इज अरेंज लव मैरिज, तो टाइम है तो टाइम लेके आप ढूंढो और शादी करो, हैप्पी रहो।